जय श्री राम आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। जब हम भगवान गणेश का पूजन करते हैं तो उन्हें सदैव ही दुर्वा अर्पण की जाती है। तुलसी के पौधे को वैसे तो देवी स्वरूपा और प्रातः पूजनीय माना जाता है, परंतु भगवान गणेश जी की पूजा में कभी भी तुलसी का पत्र अर्पण नहीं किया जाता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, तो आइए जानते हैं। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की नवयौवना कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी को देखा, जो कि तपस्या में विलीन थे। गणेश जी रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्णमणि रत्नों के अनेक हार पड़े हुए थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। उनके चेहरे पर तेज चमक रहा था। तुलसी भगवान श्री गणेश के इस रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई और उसके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग कर दिया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश को श्राप दे दिया कि उनके दो विवाह होंगे। और इस पर भगवान श्री गणेश ने तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक असुर की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने भगवान श्री गणेश से माफी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह तो अब शंखचूर राक्षस से ही होगा, किंतु फिर भी तुमने माफी मांगी है, इसीलिए तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होंगी, पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। इसीलिए तब से ही भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी का अर्पण वर्जित माना जाता है और उनकी पूजा में सदैव ही दुर्वा चढ़ाई जाती है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।